मैनपुरी में शिक्षक बना हैवान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली, आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। बड़ी खबर मैनपुरी से आ रही है। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तिलियानी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे स्कूल परिसर में एक बच्चा जो कि बेहोश हो गया था, बच्चे को ना ही उपचार दिया गया और तो और 3 घंटे तक धूप में विद्यालय परिसर में ही बच्चा पड़ा रहा। लेकिन स्कूल प्रशासन ने नहीं ली बच्चे की सुध, ना ही स्कूल प्रशासन ने बच्चे का कराया उपचार। पीड़ित परिवार ने खंड शिक्षा अधिकारी से मामले की शिकायत की है। परिजनों को सूचना मिलते ही बच्चे को गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकायत से नाराज होकर शिक्षक इद्रेश ने बच्चे की टीसी ले जाने की परिजनों को दी धमकी। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने पीड़ित परिवार को अभद्र भाषा का प्रयोग उनके साथ किया। जब मीडिया स्कूल में बातचीत करने पहुंचे तो प्रधानाध्यापक इद्रेश अली मीडिया पर भड़क पड़े और गेट के बाहर निकलने को कहा। इस बात को लेकर मैनपुरी जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। ध्यान नहीं दिया गया, उल्टा माँ बाप से ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। क्या है मामला? भी कुछ देर पहले मेरे संज्ञान में आया सोशल मीडिया के माध्यम से। इसके लिए मैंने खंड शिक्षा अधिकारी वेबर को जांच के लिए निर्देशित किया है। अब वो मुझे पूरी रिपोर्ट देंगे, उसके अनुसार मैं कार्रवाई करूँगी। क्या नाम है आपका? आप यहाँ आज आए हो, क्या मामला था पूरा? सर मेरा मामला ये था, मेरा भाई अंकुल कुमार सुबह 9 बजे स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद वो प्रेयर में खड़ा हुआ, उसने प्रेयर की, प्रेयर में अचानक उसको बेहोशी आ गई या कुछ हो गया, जिस कारण वो गिर पड़ा। तो वो वहीं पर पड़ा रहा 12 बजे तक। स्कूल प्रशासन ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जब बच्चा उठा नहीं तो बच्चों के साथियों ने मुझको सूचना पहुँचाई घर पर। तब हम वहाँ पर पहुँचे स्कूल में, तब स्कूल जाना अध्यापक से मैंने गुहार लगाई, कहा कि सर आप इसको ले चलो, मेरे पास उचित साधन नहीं है जिससे मैं इसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचा सकूं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो ऑफिस की तरफ चले गए। अब जैसी मेरी व्यवस्था थी, उस बच्चे को हम बाहर लेके आए स्कूल से। फिर वहाँ काफ़ी लोगों ने देखा, इसकी हालत बनाई बेहोशी थी, हाथ पैर रगड़े गए जिस कारण उसका मुँह खुला ही नहीं बिल्कुल। और फिर उसके बाद मैं पड़ोस डॉक्टर ले गया, डॉक्टर के पास लेके आया तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी बस से बाहर है, आप किसी सही हॉस्पिटल में लेके जाइए। जिसका SS मेमोरियल हॉस्पिटल में लेके गया उसको। उसके 2 घंटे बाद होश आया, बोतल लगाने के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद मैं उसको घर पे लेके आए। घर पे लेके आने के बाद मैंने सर को कॉल किया, मैं सर ये बात गलत है, तो मेरा बच्चा अगर कुछ हो जाता इस कारण आप हाथ खड़े कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है, मैं इस कारण आपकी इसके खिलाई करेंगे। तो सर ने बिल्कुल धीरे से अपने कि तुम सालों की यही समस्या रहती है, तुम बाप बेटे को कल स्कूल में बुलाएंगे, सालों पूरी पूरे स्कूल के सामने बेइज्जती करेंगे सालों की, तुम सालों गधे के समान हो, सालों कुछ शिक्षा का महत्व नहीं समझते हो, और बहुत सारी गालियाँ दी। और शाम को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हम तुम्हारे बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे और TC ले जाओ और कहीं भी ले जाओ इसको, ये कहीं भी पढ़ नहीं पाए, एडमिशन नहीं दे पाएंगे। हमने कहा सर कोई बात नहीं सुनी। और कहाँ का मामला है ये? मामला पूर्व माध्यमिक विद्यालय तिलियानी जूनियर तिलियानी।